हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है जो कि एमटीपी किट के ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं उन पे ये कमेंट बहुत बार आ रहा है कि मैडम, हमने एमटीपी किट की जो पाँचों पाँच टैबलेट होती हैं वो पूरा खा लिया है, हमने पूरा किट खा लिया है, फिर भी हमको ब्लीडिंग सिर्फ एक दिन हुई या फिर दो दिन हुई या फिर बिल्कुल भी ब्लीडिंग शुरू नहीं हुई और हम अल्ट्रासाउंड भी नहीं करा सकते, तो हम क्या करें मैडम? क्या हम दोबारा से जो किट है वो मंगा कर खा सकते हैं? तो क्या आपको करना चाहिए इस पर, अगर आप अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवा पा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करवाना नहीं चाहते? क्योंकि देखिए, बहुत से जो अनमैरिड कपल होते हैं वो इस टैबलेट को खा लेते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाने में झिझकते हैं क्योंकि उनके फैमिली पेरेंट्स को पता चल जाएगा ये चीज़, तो इस वजह से वो नहीं जाना चाहते। तो इसलिए उनको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए अगर वो अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहते, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए ताकि आपको पूरी पूरी जानकारी इससे मिल सके। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल टॉपिक हम डेली लेके आते हैं। साथ में बेल आइकन है सब्सक्राइब बटन के बगल में, उसको भी हिट करना ना भूलिए ताकि जो नोटिफिकेशन हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि अनवांटेड किट को आपने पूरा ले लिया है, उसके बाद भी आपको ब्लीडिंग शुरू नहीं हुई है या फिर ब्लीडिंग हुई है तो केवल एक दिन हुई है या फिर दो दिन हुई है, बहुत कम ब्लीडिंग आपको हुई है और आप अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराना चाहते, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? क्या दूसरा किट खरीद के आपको खा लेना चाहिए? तो देखिए, इस पे मोमेंट पे मेरा एक ही रिप्लाई होता है कि आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना है। अब क्यों कराना है, इसके पीछे रीजन मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि अल्ट्रासाउंड कराना इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि पता चल सके कि बच्चा सही जगह पे है या नहीं है, यानी कि सही जगह उसकी यूट्रस होती है, बच्चेदानी होती है। तो कई बार क्या होता है, कई केस में ऐसा होता है कि बच्चा ट्यूब में जाके चिपक जाता है या फिर ओवरीज में, अंडाशय में जाके चिपक जाता है या फिर और जगह पे कहीं पे जाके बच्चा ग्रो होने लग जाता है, तो उस केस में ये मेडिसिन अच्छे से काम नहीं करती। या तो आपको ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी या फिर ब्लीडिंग होगी तो हल्की फुल्की होगी, एक दिन होगी, दो दिन होगी, उसमें भी ब्लीडिंग आपको बहुत कम होगी, तो ये कंडीशन है। और इसके अलावा अगर पिछली डिलीवरी आपकी सिजेरियन हुई है, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, तो जो घाव होता है यूट्रस में जहाँ पे कट लगा होता है, टांके लगे होते हैं, उस जगह पे भी कई बार बच्चा जाके चिपक जाता है, तो वहाँ पे भी जो ब्लीडिंग है इस टैबलेट को खाने के बाद जो ब्लीडिंग है वो भी कम होगी या फिर लगातार ब्लीडिंग चलती जाएगी या फिर ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ये दोनों कंडीशन इसमें देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि बहुत सी महिलाओं को ये पता नहीं होता है कि अंदर बच्चा कितने दिन का होता है, उनको पहले की जो लास्ट पीरियड उनको आई थी उसकी डेट मालूम नहीं होती है, तो उस हिसाब से वो हिसाब नहीं लगा पाती हैं कि बच्चा अंदर कितने दिन का है, कितने महीने हो गए हैं या फिर कितने दिन हो गए हैं, क्योंकि ये किट का काम होता है केवल 49 डेज की, यानी कि 49 दिन की ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, इससे ज़्यादा अगर दिन आपको हो गए हैं तो वहाँ पे ये किट काम अच्छे से नहीं करेगी, या तो ब्लीडिंग होगी नहीं, शुरू नहीं होगी, या फिर हल्की ब्लीडिंग होगी या फिर ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। ये चीज़, मतलब कम ब्लीडिंग होना या फिर लगातार ब्लीडिंग होना, ये चीज़ ये दर्शाता है कि आपका जो अबॉर्शन है वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, अबॉर्शन की प्रक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसमें आपको लेने के देने पड़ जाते हैं, आपको हॉस्पिटल भागना पड़ता है, जो महिला है उसकी हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है क्योंकि लगातार आपका ब्लीडिंग होते रहेगी तो वहाँ पे जो बीपी है वो फॉल हो जाएगा, लेडीज खड़ी नहीं हो पाएगी, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, तो ये चीज़ लेडीज में देखने को मिलता है। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किट ने काम क्यों नहीं किया, आखिर कहीं बच्चा सही जगह पे है या नहीं है, स्कार प्रेगनेंसी तो नहीं है, बच्चा ज़्यादा दिन का तो नहीं है, तो वहाँ पे आपको फिर ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आप जितनी भी टैबलेट खा लेंगे, जितनी भी किट आप खा लेंगे वो काम नहीं करेगी। और एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपने एक बार इस किट को ले लिया है, उसके बाद सपोज दैट आपको ब्लीडिंग नहीं हुई या फिर कम ब्लीडिंग हुई, तो कई लेडीज़ें क्या करती हैं कि दूसरा किट ला के खा लेती हैं, तो ऐसी गलती भी बिल्कुल ना करें, इस पे आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि इस किट को रिपीट करने का समय होता है एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद ही इस किट को आप रिपीट कर सकते हैं, एक हफ्ते से पहले नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, जो औरत है उसको हैवी ब्लीडिंग होना, चक्कर आना, बीपी फॉल होना, ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है और इमरजेंसी की कंडीशन बन सकती है, तुरंत आपको हॉस्पिटल भागना पड़ सकता है। तो
तो आई होप आप समझ गए होंगे किस लिए अल्ट्रासाउंड इतना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमेशा मैं यही कहती हूँ कि आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आप लेंगे, सही तरीके से, सही मेथड से, जैसे डॉक्टर ने बोला है, जितने घंटे बाद खाना है, कौन सी टैबलेट कब खानी है, उस अकॉर्डिंग लेंगे तो आपको ब्लीडिंग भी सही से होगी और आपका अबॉर्शन जो है वो अच्छे से होगा, और कोई इमरजेंसी आएगी तो डॉक्टर वहाँ पे हैंडल कर लेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ, और वीडियो अगर सही लगा है, काम का लगा है, तो लाइक करें, शेयर ज़्यादा करें ताकि और भी लड़कियों को इससे हेल्प मिले। चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और कोई भी सवाल है आपके मन में या फिर कोई डाउट और भी है मन में तो नीचे हमें कमेंट में लिखिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमको फॉलो करके रखिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।